एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआ की वजह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो फाइनली वी हैव रिच बाइकलर जू, जो कि है स्टेशन से हार्डली 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। आपको ब्रिज क्रॉस करना है और फिर वहीं आस पास ही है। तो गाइज, बस यहाँ आके यही कन्फ्यूज़ थे कि टिकट कहाँ से कलेक्ट करना है। आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो प्लीज़ सैटरडे संडे अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। गाइज, बस यहाँ हम लोग टिकट कलेक्ट कर रहे थे। आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत क्राउड रहता है सैटरडे संडे। बस यहाँ टिकट हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया था, अंदर की साइड एंट्री ले ली थी और यहाँ पोलियो का ड्रॉप कुछ पिलाया जा रहा था बस। सो फाइनली फ्रेंड, हम आ गए अपने फर्स्ट स्पॉट पे, दैट इज़ एलिफेंट, जो कि आपने सुना होगा। फर्स्ट एंट्री यहीं से स्टार्ट होती है, दैट इज़ फ्रेंड्स। यहाँ से एलिफेंट दिख तो बहुत क्लियर रहता बट कुछ ज़्यादा ही दूर था, इसलिए मैं उसे अच्छे से शूट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इसे और अच्छे से शूट करेंगे। बट बस यहाँ से निकल गए, बस यहाँ से निकल गए थे। एक ही एलिफेंट था, उसे मैं क्या शूट करती। यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा मैं शूट करता हूँ, आप मुझे मोबाइल दो और जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि एक ही एनिमल्स नहीं देखने हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, सबको एक्सप्लोर कराता हूँ मैं आज आपको। तो बस हम चल रहे थे, मैं जा रही थी और इतना क्राउड था ना कि कितना कंफ्यूज थी मैं कि कैसे चलूँ कैसे नहीं। बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कितना क्राउड है, बहुत क्राउड है यहाँ पर। सो फाइनली तो हम आ गए अपने सेकेंड स्पॉट के लिए, वो है स्लॉथ बियर। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, और वैसे तो मुझे भी अच्छे से नहीं दिखा, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी, क्योंकि सिर्फ इतना क्राउड था इस जगह पर और कुछ था नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए बना हुआ था बियर, तो उसकी साइड ही फ़ोटो खींच रहे थे बच्चे, क्लिक कर रहे थे और बाकी कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा दूर था और अंदर की साइड था तो अच्छे से नहीं दिख पा रहा था। मुझे तो दिखा बट मैं उसको शूट करना चाह रही थी तो वो फ़ोन में आ ही नहीं रहा था अच्छे से। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहा चलो एक मौका मैं भी लेके देखता हूँ कि मुझे दिखता है या नहीं। बस वो भी आए, हम लोगों ने बहुत मशक्क़त की मगर वो शूट नहीं हो पाया। देख सकते हैं कि एक अफवाह जो होती है ना इंसान में, अफवाह उड़ा दो कि ये है वो है, कुछ नहीं था मगर इतनी पब्लिक आ गई थी, कुछ भी नहीं था, मतलब था बहुत दूर, अपने बिल के अंदर था, वो निकल नहीं रहा था, तो इसलिए सोचा छोड़। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से इस बियर के साइड से एग्जिट होने के लिए रेडी हो गए थे कि चलो अब नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं कि उसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हम लोग इवनिंग के टाइम गए थे। आजकल जल्दी रात हो जाती है और फिर ये लोगों का भी बंद होने का टाइम हो ही जाता है, तो इस लोग ये लोग भी बाहर जल्दी से नहीं निकलते, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको एग्जिट करते हैं और जल्दी से अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए जाते हैं। कि यहाँ लास्ट तक कितना क्राउड है, बहुत ही क्राउड था, और अभी तो आपको नेक्स्ट स्पॉट पे जाके पता चलेगा कि वहाँ कितना क्राउड है। वहाँ जाने के लिए तो मुझे सोचना पड़ रहा था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैं फाइनली साइड में खड़ी हो गई और मैं उसको सोचने लगी कि यार मुझे भी इतनी जंग से जीतना पड़ेगा, मतलब फिर मैं निकल गई उस जंग के लिए। मैंने कहा चलो मैं भी जाके देखती हूँ। फाइनली हम अपने थर्ड स्पॉट के लिए निकल गए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़ू में सब लोग देखने आते हैं वो होता है टाइगर। तो फाइनली हम लोग टाइगर के लिए निकल गए और देखिए अब कितना क्राउड है। अभी टाइगर आया नहीं है मगर क्राउड देखिए आप। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैं भी एक मौका लेके देखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी यहाँ पर दूर से खड़े रहने पर, और पास में जाके मेरा क्या हाल होगा। तो सो फाइनली मैं भी इस जंग से लड़ने जा रही हूँ और देखिए मैं निकल गई इस जंग में। तो बस क्या बोलूँ, अभी आप आवाज़ सुन रहे, इतनी चीखों की आवाज़ होगी ना, आपको समझ आ जाएगा कि कितना शोर है। फ्रेंड्स, लाइक यू नो टचवुड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मतलब ये मेरी, मतलब मैं इसे वीडियो में भी कैप्चर कर पाऊंगी। सो मतलब इतना अच्छे
बस इन लोगों की यहाँ मस्ती स्टार्ट थी, मतलब टाइगर की आपस में ये तो बस खेल रहे थे आपस में, और उससे ज़्यादा पब्लिक का शोर था, ऐसे लग रहा था उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो बस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, इतना हल्ला था, इतना शोर था बहुत ज़्यादा कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो बस जितना भी शूट किया मैंने किया आप लोगों फ्रेंड्स, आपको यहाँ सामने कॉफ़ी कैफ़े दिख रहा होगा, तो बस हमने सोचा कि हम भी लाओ कुछ मील इन्जॉय करते हैं। यहाँ बैठ गए, बच्चों का कुछ ऑर्डर था, पिज़्ज़ा पॉपकॉर्न कॉफ़ी ये दिस दैट, बस यहाँ हम लोगों ने बैठे इन्जॉय किया अपना मील, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है फ्रेंड्स। काफ़ी सारी फैसिलिटी दे रखी है जैसे लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए, आपको सामने वॉशरूम दिख रहा होगा, तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आ सकते हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आ गए जो कि है हिप्पो, और ये पानी में रहते ही नहीं क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है मुंबई में, आजकल गर्मी ज़्यादा है और फिर एनिमल्स को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो एटलीस्ट इस मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेटन होती है, तो बस यहाँ पर ये लोग पानी में ही रहते हैं। मैं हिप्पो की कहानी तो आपने सुनी होगी, ये ज़्यादातर इन लोगों को गर्मी लगती है तो ज़्यादातर ये लोग पानी में ही रहते हैं क्योंकि इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। फ्रेंड्स मैंने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन जैसे ही किया और ये लोग बेचारे मेरी दिल की भावनाएं समझ गए, मन की बस, और ये निकल गए और मैंने इन्हें अच्छे से शूट किया। वैसे तो ये पानी में ही रहते हैं, ज़्यादातर टहलते नहीं क्योंकि इस टाइम गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही है मुंबई में, स्वेटन हो रही है इतनी ज़्यादा, और एनिमल्स को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो ये लोग अंदर ही रहते हैं। बस हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए पहुँच गए जो कि है मंकी, और मंकी काफ़ी मतलब बहुत सारे मंकीज थे यहाँ पे, बट वो पिंजरे के अंदर कैद थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या मंकी को देखना, अपने यहाँ पे मंकी नहीं है, और लोग इसके लिए पागल हो रहे थे, इतनी सेल्फीज़ बना रहे थे अपनी। तो मैंने कहा चलो हम भी एक या दो अपनी सेल्फ़ी लेके देखते हैं, थोड़ा सा हम भी इतरा लेते हैं। बस यहाँ पर हमने सेल्फ़ी ली अच्छी अच्छी, और बस यहाँ मेरे हस्बैंड तो मुझसे ज़्यादा दीवाने हो रहे थे, इतने एक्साइटेड जैसे कभी मंकी को देखे ही नहीं है। मंकी मुंबई के लिए एक नई चीज़ है क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो यहाँ मंकी इसलिए यहाँ मंकी बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स की वजह से, और यहाँ बच्चों को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, बच्चों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड बच्चे बने हुए थे, इतनी एक्साइटमेंट तो मैंने अपने अंदर भी नहीं देखी जितनी मेरे हस्बैंड के अंदर थी मंकी देखने की। अरे रुको ना, साइड में भी मंकी है, अरे रुको ना, इधर भी मंकी है, बस वो देखे जा रहे थे। मैंने कहा चलो ना भाई इस यहाँ से निकलते हैं, कब तक यहाँ खड़े रहना है। तो गाइस हम लोग यहाँ से चले गए बस, और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा ऐसे हाथ पकड़े हुए थे जैसे यहाँ से मैं कहीं चली जाऊँगी या मुझे कोई ले जाएगा उठा के, तो मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो ना, चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ बस हम लोग आगे जा रहे थे तो हमें एक एनिमल्स और नज़र आया, अभी शाम का टाइम है तो वो भी बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका था, बट मैंने फिर भी उसे शूट किया। और देखिए आप लोग, वो एनिमल्स है सांबर, काफ़ी बच्चे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, उसका शूट कर रहे थे, मगर बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका था, एक ही सांबर था इधर और बस एक ही नज़र आ रहा था, काफ़ी सारे थे बट वो सो चुके थे, उनका सोने का टाइम हो गया था तो इसलिए बस एक ही दिखा। और आप यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है सांबर, मॉर्निंग के या इवनिंग के टाइम आना चाहिए, ज़्यादा इवनिंग में। यहाँ हम लोग सांबर देख के निकल गए थे, तो मॉर्निंग में आना चाहिए वैसे, लंच के बाद फ़ौरन आ जाना चाहिए क्योंकि, और अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है तो अभी दिन भी थोड़ा छोटे हो रहे हैं तो यहाँ पर जल्दी बंद हो जाता है सब, तो बस 5 या 6 o'clock के बाद यहाँ से बोल देते हैं कि यहाँ से एग्ज़िट हो जाइए। बस यहाँ मेरा मोस्ट फेवरेट जो कि मैं अभी तक वीडियोस में ही देखी हूँ, मतलब मैं रियल लाइफ में अभी तक नहीं देखी, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैं आपको बताऊँ या नहीं जाके ही बताऊँ, चलो अभी मुझे पता नहीं खुद के अलाव है वीडियो बनाना नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस में देखी हूँ कि वीडियोस बनाना अलाव नहीं है यहाँ पर, और क्योंकि एनिमल्स को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो गाइस मैंने यहाँ आप लोगों के लिए शूट किया, बट यहाँ पे सिक्योरिटी ने बिल्कुल मना कर रखा था कि शूट नहीं करना है, फ़ोन नीचे रख लो अपने सब लोग। बस मैंने फ़ोन नीचे करके ऐसे ही जैसे शूट हुआ मैंने किया, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं। और देखिए मोस्ट फेवरेट पेंगुइन्स कितने अच्छे लगे हैं, मैंने अभी तक वीडियोस में देखे थे, तो सिक्योरिटी ने मुझे बोला था फ़ोन नीचे का, और यहाँ एनिमल्स को प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारे यहाँ पे पेंगुइन्स थे क्योंकि फ़ोन की फ्लैश लाइट से जो है ना वो उनके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया था, तो इसलिए बोला कि फ़ोन वीडियोस फ़ोटोज़ लेना अलाउ इसलिए नहीं है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ओके, बस मैंने भी अपना फ़ोन से हम लोग बस एग्ज़िट होने लगे थे, और आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा
तो बस हम लोग आ गए। ये पेड़ पता नहीं क्या था, इस पे कोकोनट जैसे लटके हुए थे, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस यहाँ हमें एक एनिमल्स और दिखा जो कि है पैरट पैराडाइज। इसमें 5 तरीके की इसकी नस्ल होती है। पता नहीं अभी क्लोज ही है वैसे, मैंने लोगों से पता लग रहा है कि अभी यहाँ पर बंद है, हो गया है सब, बट मैं फिर भी रिस्क लेके जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ कि अभी ओपन है या नहीं। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को देखिए, आप कितने एक्साइटेड हैं, और बच्चे मेरे से मतलब पहले पहुँचे हुए हैं ऊपर। तो यहाँ सब बंद था, और बस देखिए आपको ऊपर की साइड कुछ दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही है, और बहुत मतलब लेफ्ट साइड में बहुत पीछे की साइड है, और वो है पीकॉक। और देखिए आपको दिख भी रहा होगा लेफ्ट में, बस एक ही पीकॉक था, वो भी थोड़ा सा नींद में हो रहा था। मैंने कहा चलिए उसे सोने दिए, हम लोग चलते हैं आगे की साइड, छोड़ो बच्चों को क्या परेशान करना है एनिमल्स को सोते हुए। तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे, बैक हो गए थे घर के लिए। और ये सामने आपको रानी दिख रही होंगी बैठी हुई, तो ये मतलब इसी चीज़ से फेमस है रानी बाग, क्योंकि रानी अपने बाग में अपने मतलब फैमिलीज़ को लेके टहला करती थी। काफ़ी बड़ा बाग है, अभी हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए पूरा। बस बच्चों को साइड में झूले दिख रहे थे, बट उसको उसको पार करने के लिए दूसरी साइड से जाना पड़ता, तो बच्चों से बोला छोड़ो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर झूला झूलेंगे। बस यहाँ से हम लोग निकल गए, काफ़ी बड़ा बाग है और हम अभी उसे पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। ये सामने आपको गेट दिख रहा होगा, चेकिंग गेट ये था। और बस हम बिल्कुल बाहर एग्जिट हो गए, हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि आने के टाइम हम लोग इतने एक्साइटेड थे, हमने फ़ोटो वीडियोस कुछ नहीं क्लिक करा था। तो गाइज़ आपको आई होप अब ये वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।